स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर अपने इस चैनल में दीपा पांडे के साथ। साथियों, अगर आप कपल वीजा या स्पाउस वीजा के बेस पर विदेश जाने की सोच रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए है। जानकारी इम्पोर्टेंट है, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। हम आपको बता दें कि आप चाहे चंडीगढ़ के रहने वाले हों या फिर पंजाब, हरियाणा या पूरे भारत में कहीं के भी रहने वाले हों, आप चंडीगढ़ आकर अपनी मैरिज परफॉर्म करके वहां पे प्लेस ऑफ मैरिज के बेस पर अपनी मैरिज को रजिस्टर करवा सकते हैं जल्द से जल्द, वो भी बिना किसी नोटिस के। जैसा कि आप जानते हैं, कानून कहता है कि मैरिज वहीं रजिस्टर होती है या तो जहां लड़का रहता हो या फिर लड़की रहती हो या फिर उनकी मैरिज परफॉर्म हुई हो। तो यहाँ परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज के बेस पर आप अपनी मैरिज को बिना किसी नोटिस के रजिस्टर करवा सकते हैं, वो भी जल्द से जल्द। जो कि आपको मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको कपल वीज़ा या स्पाउस वीज़ा के बेस पर अगर आपको विदेश जाना है तो वो सर्टिफिकेट आपके काम आता है। और साथ ही इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ जो प्रोसेस होती है चंडीगढ़ में, उसके लिए लड़का लड़की को गवाहों के साथ जो दो विटनेसेस आपको साथ में लेकर आने होते हैं, विटनेसेस कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 18 से ज़्यादा हो, वो व्यक्ति आपके साथ विटनेस के रूप में आ सकता है। दो विटनेस चाहिए होते हैं और लड़का लड़की और विटनेस को चंडीगढ़ में मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए दो बार आना पड़ता है, जिसमें पहले दिन आपकी मैरिज परफॉर्म होती है, परफॉर्मेंस ऑफ मैरिज होती है, जिसके बेस पर आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और उस अपॉइंटमेंट के दिन भी, जो या तो नेक्स्ट डे हो सकता है या जो भी वर्किंग डे होता है, उसमें आपको अपॉइंटमेंट मिलती है और उस अपॉइंटमेंट के डे पर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में पेश होना होता है, जहां से आपको सारी वेरिफिकेशन के बाद आपको आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चंडीगढ़ गवर्नमेंट का जो इस प्रकार का दिखाई देता है वो आपको उसी टाइम मिल जाता है। इस मैरिज के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप उसी टाइम बार कोड स्कैन करके ऑनलाइन वेरीफाई भी कर सकते हैं और इसकी वेबसाइट में जाकर एप्लीकेशन नंबर डालकर इसे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, जिस बात का आपको ध्यान देना है वो ये है कि कोर्ट मैरिज के लिए जो कानूनन उम्र है, लड़की 18 प्लस होनी चाहिए, लड़का 21 प्लस होना चाहिए और इसके प्रूफ के रूप में आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, या तो 10th की मार्कशीट हो, स्कूल की मार्कशीट, या फिर आपके पास आपका जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट होना जरूरी है। एड्रेस प्रूफ के रूप में आपके पास होना चाहिए आपका आधार कार्ड। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटोज आपको लानी होती है। अगर ये बेसिक कंडीशंस को आप पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी मैरिज को रजिस्टर्ड बिना किसी नोटिस के चंडीगढ़ में करवा सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि दो बातों का आपको ध्यान देना है कि पहला तो आपको फर्जी काम से बचकर रहना है, किसी भी प्रकार से स्टैम्प पेपर या नोटरी पेपर पर मैरिज रजिस्टर नहीं होती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा, मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर अगर कोई कहता है कि हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर वो आपको दिलाएगा तो ये भी गलत है। प्रोटेक्शन ऑर्डर तब होता है जब आपको जान का खतरा होता है और इसमें घर में संबंध जरूर जाता है। जिनसे आपको जान का खतरा होता है उनको कोर्ट के द्वारा सूचित किया जाता है और उनसे उनका बयान लिया जाता है कि वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो प्रोटेक्शन में घर में समन जरूर जाता है और वो रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। हाई कोर्ट हमेशा सुरक्षा का ऑर्डर देती है, किसी भी मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करवाती है। रजिस्ट्रेशन की पावर होती है मैरिज रजिस्ट्रार को। तो ध्यान दीजिएगा, हाई कोर्ट से होती है प्रोटेक्शन और मैरिज का रजिस्ट्रेशन होता है तहसीलदार से, रजिस्ट्रार से। क्योंकि क्लाइंट के द्वारा हमें अक्सर सुनने में आता है कि उनके साथ मैरिज रजिस्ट्रेशन के नाम पर धोखा हुआ है, उनको कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर पकड़ा कर कहा गया है कि यही आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसे लोगों से आपको खुद को बचा कर रखना है। अगर इस बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8295723604 पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप इस नंबर को नोट कीजिएगा। तो उम्मीद है साथियों, आज की जानकारी आपको समझ आई होगी। अगर इससे जुड़ी आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।